सैंडविच का भी टेस्ट बहुत अच्छा है और यहाँ की एम्बियंस की बात करें तो बहुत अच्छा है। रेड चिकन का आइटम है, चिकन विंग्स है, बर्गर है, चिकन सुप्रीम पिज्जा है, चिकन सुप्रीम, चिकन और यहाँ पे चिकन रेंज है बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा डिलीशियस है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आज जुपिटर कैफे में। इसका लोकेशन अभी आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ कुछ फूड ट्राई करने वाला हूँ और इसका एक रिव्यू देने वाला हूँ कि ये कैफ़े कैसा है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड मेरे बोल रहे थे कि कैफ़े का वीडियो बनाओ, क्योंकि रांची में बहुत सारे कैफ़े अभी हैं और कैफ़े में जाना बहुत ही अच्छा लगता है हमें। तो अभी हम लोग इस कैफ़े का रिव्यू करने वाले हैं। इसका आप देख सकते हो इंटीरियर कैसा है। इंटीरियर की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। और ये है यहाँ, और यहाँ की एम्बियंस की बात करें तो बहुत अच्छा है। आप 15-20 लोग बैठ सकते हैं अगर आप बर्थडे पार्टी करना चाहते हो एक अच्छे बजट में, तो बहुत अच्छा है। और अगर आप बर्गर लवर हो, अगर आपको बर्गर खाना पसंद है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि बर्गर का यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी है। अभी अभी कुछ दिन पहले ही खुला है और इसका लोकेशन अभी आपने देख लिया होगा, मैं आपको बबली बता दे रहा हूँ। ईस्ट जेल रोड में जब आप आते हो तो अविनाश कॉम्प्लेक्स है, उसी के अंदर है ये। तो फ्रेंड्स, आप जैसे KFC वगैरह में आप खाते हैं ना चिकन क्रिप्सी, यहाँ पे भी उस तरह का अवेलेबल करवाया गया है। देख सकते हो चिकन सिक कबाब है, चिकन क्रिप्सी, चिकन स्पाइसी विंग्स है और प्राइस बहुत अच्छा है, 168 रुपीज़। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सैंडविच का यहाँ पे आइटम है और वो 68 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा है जो 78 तक है। फिर फ्रेंच फ्राइज़ है 48 रुपीज़ से 68 रुपीज़, बहुत अच्छा प्राइस है गाइस। आप देख सकते हो पिज़्ज़ा है 78 रुपीज़ में, तो बहुत ही अच्छा है यार, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल है, हर लोग अफोर्ड कर सकता है यहाँ पे। ये देख सकते हो इधर है चिकन का आइटम है, चिकन विंग्स है, बर्गर है और इधर आइसक्रीम का अच्छा खासा स्टॉक है यहाँ पे। आप देख सकते हो अभी न्यू कैफे ये खुला है, ये कैफ़े, और बहुत ही अच्छा है, बहुत मतलब कन्वीनियंट है सबके लिए, जो हर लोग यहाँ पर डेली बैठ सकते हैं आके। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फूड आ गया है, तो अभी हमारे पास है चिकन पिज़्ज़ा है। तो भैया, आपने जो ये अभी मुझे दिया है जी सर, वो इसका नेम बताइए। चिकन सुप्रीम पिज़्ज़ा है, चिकन सुप्रीम, चिकन सुप्रीम पिज़्ज़ा। ये इसका प्राइस कितना है? 128 का है। 128 और ये चिकन सैंडविच है, चिकन सैंडविच। इसका प्राइस, इसका प्राइस 88 जी। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कि चिकन पिज़्ज़ा 125 रुपीज़ में अगर हम डोमिनोज से कंपेयर करें, मेरा ये मकसद नहीं है किसी भी ब्रांड को मतलब कंपेयर करना, लेकिन मैं एज अ कस्टमर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा है 125 रुपीज़ में और ये 80 रुपीज़ में। और बर्गर, ये वेज बर्गर है मेरे भाई के लिए, ये वेज बर्गर है, इसकी प्राइस है सर 68 रुपीज़। 68 रुपीज़ ओनली, 68। ओके, और ये चिकन सीख कबाब है, ये हाफ प्लेट है, इसकी प्राइस है 88 रुपीज़ जी। 88 में 3 पीसेस आते हैं, तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 250 रुपीज़ में सारा चीज़ आ गया है और एक पूरा मतलब हम दो लोगों के लिए काफ़ी है। तो मेरा खाने का मतलब ये है गाइस कि अगर आप इस जगह पे आते हो तो एक अफोर्डेबल प्राइस में आप चीज़ें ले सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो जी। मेरे को सबसे अच्छा आपका ये लग रहा है कि प्राइस बहुत अच्छा है। नहीं, एक्चुअली सर यहाँ पे क्या है ना, ये पूरा स्टूडेंट एरिया है, हमारा यहाँ पे जो भी लोग आते हैं सारे बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स का काफ़ी जानते हैं पॉकेट में, मतलब बजट बहुत टाइट रहता है, मंथली अपना एक्सपेंस घर से आना लिमिटेड है, उसी में अपना सारा करना, इंजॉय भी करना है, पढ़ना भी है, सब कुछ सारा खर्चा, इसलिए हम लोग जो यहाँ प्राइस रखे हैं सारा स्टूडेंट को ही कंसिडर करके रखे हैं। मतलब बेसिकली आपका एक पर्पस इस जगह को इतना सस्ते रेट में लाना कि स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के अफोर्डेबल हो सके, वो अपना आए हैंग आउट कर सके, ठीक है, थोड़ा अपना पढ़ाई से जो टाइम मिल रहा है कि थोड़ा रिलीफ मिले, उनको स्ट्रेस फ्री माहौल मिले। करेक्ट, क्योंकि मुझे को अभी जो इनका डेकोरेशन है बहुत अच्छा लगा है, अभी मैं खा के बताऊँगा कि कैसा टेस्ट है जी सर। और दूसरी चीज़ ये कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सारे स्टूडेंट लोग ही आ रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे हूँ वीडियो बना रहा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं खा के जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और हम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कि कैसा खाना है, टेस्ट कैसा है। तो अभी आप जो बनाए हैं वो कितना टाइम लगा आपको बनाने में? ये सर 10 से 15 मिनट एक्चुअली हम लोग का प्रिपरेशन टाइम रहता है, 10 से 15 मिनट कुछ भी ऑर्डर करते हैं 10 से 15 मिनट्स में वो आपको डिलीवर हो जाएगा। ओके, मतलब कि 10 से 15 मिनट्स में आप कर बना के दे जी। और अभी जहाँ जहाँ न्यू स्टार्टअप है तो थोड़ा और अपग्रेड करेंगे आप जी जी। अभी तो मेरा जस्ट ये न्यू है, अभी 2 मंथ्स हुआ ही है, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे हो रहा है इसको और अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग मेकिंग टाइम को भी धीरे धीरे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि लोगों को हम 5 मिनट में सर्व कर सकें। करेक्ट, ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा काम होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे हम लोग
और सुधारते जाएंगे चीज़ों को, सर्विस को सुधारेंगे, एम्बियंस सर्विस अच्छा है, एम्बियंस भी अच्छा है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हो या आप ऐसा जगह ढूंढ रहे हो रांची में जहाँ पे आप हर एक दो दिन में जाके आप बैठ सको, इस तरह का फूड आप खा सको, अगर आप बर्गर लवर हो या पिज़्ज़ा खाना चाहते हो, भी चिकन पिज़्ज़ा, देन ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है। आप इस जगह पे आके आराम से इंजॉय कर सकते हो और बहुत ही अफोर्डेबल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभी वीक में या एक मंथ में रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप कम पैसे में ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे आप हमेशा जा सकते हो। डिपेंड करता है कि लोगों का कैसा अपना प्रॉफिट फ्रेंडली है। यहाँ पे सर जो अभी कस्टमर्स हैं ना, वो रेगुलर कस्टमर्स हैं। ओके, मतलब कि वो रोज आते हैं, इवन वो आएंगे दो चाय पी के ही जाएंगे, लेकिन वो आते हैं रोज। उसी ऊपर जिम भी है जी, ऊपर एक जिम है, तीन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, पीछे में यहाँ पे सैलून है, सैलून भी है जी। ओके, तो ये जो जिम है वो आपका मेट्रोपॉलिस जिम है? मेट्रोपॉलिस जिम, मेट्रोपॉलिस। तो ज़्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट ही आते हैं मैक्सिमम। तो ठीक है, थैंक यू। अभी मैं खा के दिखाता हूँ फ्लेवर को कि कैसा है। पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ पिज़्ज़ा, ये वेज मसाला टिक्का बर्गर, उसका कॉस्ट है 68 रुपीज़, और मैं इसको ट्राई करके बता रहा हूँ कैसा है। अच्छा टेस्ट है और बहुत अच्छा लगा मुझे टेस्ट और प्राइस दोनों बढ़िया है। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने फूड कंप्लीट करके अभी हमें मिला है हॉट चॉकलेट, ये 30 रुपीज़ का है। मैं पी के बता दूँ कैसा है, अच्छा लग रहा है। मतलब हम लोग चॉकलेट यूज़ करते हैं ना, जैसे डार्क चॉकलेट यूज़ करते हैं या सिल्क यूज़ करते हैं, तो उस तरह का आ रहा है फ्लेवर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये कैफ़े आप आओ, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप बता रहे हैं कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ का एम्बियंस, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप यहाँ तक देख लियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और मेक श्योर शेयर करना वीडियो को। तो अभी हम लोग कुछ कस्टमर हैं यहाँ पर, उनका रिव्यू लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं और फूड को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कैफ़े में अभी एक भैया हैं जो बर्गर शायद अभी वो ऑर्डर किए हैं। तो भैया, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? जब से शॉप ओपन हुआ तब से आ रहा हूँ मैं। और कैसा है कैफे? बहुत अच्छा लगता है यहाँ का एम्बियंस, अच्छा लगता है यहाँ पे सीटिंग का जो बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा फील होता है। बोला था और प्राइस के बारे में, प्राइस तो बहुत रीज़नेबल है, एक घंटे में आपको अच्छा प्राइस देंगे, इंसान एक बार आएगा तो बार बार आएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अभी भैया ट्राई कर रहे हैं वेज पिज़्ज़ा और उनसे लेते हैं फीडबैक। तो भैया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। आप जितने भी हमारे व्यूअर हैं उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे इस कैफ़े के बारे में? मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि यहाँ पे आके खाना भी खा सकते हैं, मतलब अफोर्डेबल है, मतलब 100%। एक्चुअली आज तो मैं स्पेशली खाना खाने के लिए स्पेशली आया हूँ यहाँ पे, मतलब अच्छा। एक तो पॉकेट वाली जो बहुत अच्छी बात कही आपने कि मतलब तो सस्ता में काफ़ी अच्छा, और एक फ्रेंडली वाला जो एटमोसफेयर यहाँ पे बना हुआ है तो बहुत बेस्ट है। चिकन ओके, और लस्सी है क्या ये? नो, इट्स मिल्क शेक। मिल्क शेक, और कैसा टेस्ट यहाँ का फूड का? वैसे तो मैं सैंडविच वगैरह ज़्यादा खाता नहीं हूँ, बर्गर सैंडविच इतना पसंद नहीं है, और बट मैंने यहाँ का सैंडविच ट्राई किया था, मतलब रांची में बेस्ट सैंडविच लगा था। और यहाँ अभी मेन्यू में इन्होंने चिकन भी ऐड किया, तो ये बहुत ब्रिलियंट है, इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आता हूँ। ओके, और जितने भी हमारे व्यूअर हैं जैसे रांची से जो लोग देखते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जुपिटर कैफ़े के बारे में? रांची के लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर ये आपको कुछ सैंडविच में कुछ डिफरेंट चाहिए, पिज़्ज़ा में कुछ डिफरेंट चाहिए, बर्गर में कुछ डिफरेंट चाहिए, आप ज़रूर यहाँ आए। और यहाँ का चिकन रेंज जो है बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और प्राइस के बारे में बताइए, क्योंकि प्राइस एकदम जेन्युइन नॉर्मल है, एकदम आराम से सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा जगह है। तो फ्रेंड्स, यहाँ की ऑनर है श्रुति, और श्रुति जितने भी व्यूअर है आप उनको प्लीज़ हाई बोलिए। और क्या डिस्काउंट अभी चल रहा है अभी न्यू ईयर में? ओके, थैंक यू।